हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताई थी कलरफुल लीव्स वाले सुंदर प्लांट्स, और अब आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ उसी का पार्ट टू, जिसमें आपको दिखाऊंगी जिसमें पत्तियाँ बेहद सुंदर हैं, पत्तियों के डिज़ाइन, उनकी वेरिएशन बहुत सुंदर है, और ये प्लांट भी बहुत सुंदर हैं, और इनको आप इनडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं। मैं थोड़ी डिटेल भी दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं मोनेस्ट्रा से। ये देखिए, ये मोनेस्ट्रा छोटी साइज वाला है ना, और देखिए इसके पत्तों की वेरिएशन देखिए आप कितने अच्छे। ये इसमें नेचुरल कटे हुए होते हैं पत्ते, ये बहुत सुंदर लगते हैं। ये मैंने मॉस्टिक पे चलाया और इसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी, कभी आपको दिख जाएगी। आप मेरे इंडोर प्लेलिस्ट में इंडोर प्लांट्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको ये वीडियो मिल जाएगी। और ये मतलब इंडोर रखने वाला प्लांट है, ड्राइंग रूम वगैरह में आप रखते हैं तो बहुत सुंदर लगता है ये। और इसी की और वैरायटी दिखाती हूँ। एक ये हो गई, दूसरी देखिए, ये भी मोनेस्ट्रा एडेंसोनी है, और जिसको चीज़ प्लांट भी बोलते हैं। इसकी पत्तियाँ देखिए आप, है ना, ये सब नेचुरल है। इसको भी मैंने बड़ी मुश्किल से बचाई, तो मेरा चोरी हो गया था, अब बच गया है, काफ़ी अच्छा चल भी गया है मोनेस्ट्रा इस पर मॉस स्टिक पे। और इसी की फिलोडेंड्रॉन की मैं एक और वेराइटी दिखा था, ये इसकी एक और वेराइटी है, इसके पत्ते ऐसे होंगे और है ना, लेकिन इसमें बेल वगैरह नहीं चलती, इसमें ऐसे पत्ते ही निकलते जाते हैं और भरते जाते हैं। लो अरेंजमेंट के लिए ये बहुत सुंदर प्लांट है, ठीक है। इसी में आपको ये जो फिलोडेंड्रॉन दिखाया मोनेस्ट्रा, इसी में एक और दिखाती हूँ आपको। ये भी मेरे ही मोनेस्ट्रा है और ये मैंने पेड़ पे चढ़ाया हुआ है, आप देख रहे हैं इसके पत्ते कितने बड़े बड़े हैं। और दूसरे पेड़ पे दिखाती हूँ, ये चढ़ा हुआ है गुलमोहर पे है, ये देखिए आप कितना ऊपर, बिल्कुल ऊपर तक चलता चला गया है ना, और खूब अच्छे रहते हैं इसके पत्ते। और देखिए इसको मोनेस्ट्रा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती है ना, पेड़ को पूरी तरह से जकड़ लेती है। देखिए, दिख रहा है ना, और इन्हीं में से ये निकलती रहती हैं और ऐसे ये बढ़ता रहता है। बहुत लोग ले जाते हैं इसमें से, मैं भी क्या करूँगी इतना। नेक्स्ट है इसमें एरोकेरिया, जिसे क्रिसमस ट्री भी कहते हैं। काफ़ी ऊँचा हो गया और नीचे से लेगी भी हो गया इसकी, मुझे करना है कुछ इसकी रिपेयर, जिससे कि ये वापस काट के इसको छोटा करूँगी मैं, तभी दिखाऊंगी। इसकी भी पत्तियाँ अपने से नीचे ज़्यादा बड़ी, फिर छोटी होती जाती हैं, और अपने प्लांट्स की लीव्स के कारण ही ये बहुत अच्छा लगता है। इसी में नेक्स्ट आता है ये एस्पेरेगस, है ना, और इसके दो तीन तरह के हैं मेरे पास। ये एक ये दिख रहा है, एक बहुत बारीक होता है, बिल्कुल थ्रेड जैसा बारीक, और एक फॉक्सटेल होता है, और फर्न है, और ये देखिए ये फर्न है। इसकी भी पत्तियाँ कितनी सुंदर हैं, ये छोटे पॉट में लगाए तो इसकी पत्तियाँ छोटी हैं, ये ज़मीन में लगा है और सेम है, और इसकी पत्तियाँ देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, ह्यूज है ना। और नेक्स्ट इसे दूसरा एक और फर्न दिखाती हूँ। ये फर्न जो है, इसकी पत्तियाँ लंबी लंबी हैं, आप देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल, है ना। और अभी एक और फर्न दिखाती हूँ, फर्न मेरे पास कई तरह के हैं। एक ही वाला फर्न है ना, बारीक बारीक, और ये भी बहुत घना हो जाता है, थोड़ा बेल टाइप का रहता है, वाइन टाइप का, तो इसको लंबा सपोर्ट देते हैं तो बहुत अच्छा दिखता है ये। अब ये आपको फिलोडेंड्रॉन की ही एक वैरायटी दिखा रही हूँ, मेरे पास फिलोडेंड्रॉन के बहुत सारे हैं और सब एक से एक बढ़कर सुंदर है। एग्जैक्ट नाम तो मुझे आपको ढूंढ के अलग से बताना पड़ेगा, इन पर अलग से वीडियो बना के, है ना। आप ये देख रहे हैं इसकी पत्तियाँ लंबी लंबी हैं ऐसी, और ये भी बहुत आसानी से लग जाता है। इन सब के लिए वेल्डन सॉइल चाहिए होती है, और ये सेमी शेड एरिया प्रेफर करते हैं, मतलब जहाँ एक आध घंटे की धूप आए या इनडायरेक्ट सनलाइट हो, वहाँ ये बहुत अच्छे चलते हैं, और अंदर सजाने के लिए बहुत सुंदर होते हैं। और इनकी जो खूबसूरती होती है वो सिर्फ इनके पत्तों की डिज़ाइन होती है। आप देखिए पत्ते लंबे लंबे हैं, मैंने जिनके यहाँ से लिया था उनका पत्ता काफ़ी लंबा लंबा था, है ना। अब ये तो इतना ही हुआ, पॉट भी छोटा है शायद इसीलिए, तो अभी बड़े में भी इसको शिफ्ट किया, देखती हूँ क्या रिजल्ट रहता है। और ये ही वो है वेंटिंग ज्यू, और आप देख रहे हैं इसकी पत्तियाँ भी बड़ी सुंदर होती हैं, और धूप में इनका रंग थोड़ा और पर्पलिश हो जाता है,
और पीछे से ये थोड़ी कॉपर से कलर की होती है, पर्पल कलर की। ये मैंने छोटी सी हैंगिंग बना रखी है इसकी, और काफ़ी अच्छी इस पर घनी लटक रही है। ये अंदर पत्तियों के ही नेक्स्ट उसमें ये आता है रियो, ये डॉट वेराइटी का रियो है। और जो बड़ा वाला होता है सेम, उसमें पत्तियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं और पीछे से ऐसी पर्पल होती हैं, और उसमें कभी कभी फूल आता है ऐसा, अब जब बहुत प्लांट मेच्योर हो जाता है। और ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और इसको मैं किसी से एक ही लेकर आई थी, और अभी देखिए बहुत सारा हो गया मेरे पास। अब इसकी है कि हैंगिंग बास्केट भी बनाने वाली हूँ मैं, और क्योंकि हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छे लगते हैं लटकते हुए। सुंदर पत्तियों में एक ये है ड्रेसिना की, एक और वेराइटी है ये, और ये पीछे छुप गया था तो उस दिन मुझे दिखा ही नहीं। अभी प्लांट ठीक कर रही थी तो फिर ये मिला है ना। और ये भी ड्रेसिना की, आपको उस दिन ड्रेसिना की काफ़ी वेराइटीज दिखाई थी, एक ये भी। सुंदर पत्तियों वाले प्लांट्स में ही नेक्स्ट आता है जेड, इसको मैं कैसे भूल सकती हूँ। ये बहुत ही अच्छा एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, और अपनी बहुत सुंदर वैक्स जैसी चमकदार पत्तियों के लिए बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इंडोर बहुत अच्छा चलता है, जहाँ बिल्कुल लाइट ना हो या बिल्कुल ही कम लाइट हो वहाँ भी वो बहुत बढ़िया चलता है। बहुत स्लो ग्रोइंग है, और इसके ट्यूबर्स से और पत्तियों से ये इसकी मल्टीप्लाई हो जाता है। ये जो प्लांट दिखा रही हूँ ये भी फिलोडेंड्रॉन वेराइटी का ही है, और ये तो एक्चुअली एक्सीडेंटली आ गया मेरे पास। ये मैंने एक वो ख़रीदा सिंगोनियम का प्लांट, छोटा सा वो डॉर्फ वेराइटी का, छोटे से डब्बी में लगा हुआ। उसमें कहीं ये छोटी सी ग्रीन दिख रही थी, मैंने सोचा वीट है, उखाड़ के उसे फेंक दी। फिर थोड़े दिन बाद मैंने देखा कि उसमें से बड़ा सुंदर सा एक पत्ता निकला है, मैंने कहा चलो देखते हैं क्या है तो वीट शायद बड़ा ही होगा, लेकिन अब वो बड़ा हो के तो बहुत ही सुंदर लगने लगा। वैसे अभी कल ही मैंने बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया है। और ये है फिलोडेंड्रॉन की वेराइटी का ही, और देखिए आप इसके पत्ते कितना खूबसूरत हैं। मुझे लगता है इस वाले पॉट में लग के इसके पत्तों का साइज़ और बड़ा होने वाला है। सुंदर पत्तियों के साथ ही एक और भी है ये जेनाडो, ये डॉर्फ वेराइटी है। अभी आप इसको बड़ा भी दिखाती हूँ, और ये भी देखिए छोटे पॉट में है, पत्तियाँ इसकी छोटी हैं। और ये वैसे फिलोडेंड्रॉन वेराइटी का ही है, और अभी बड़ा भी दिखाती हूँ ऊपर का चल के आपको, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिखाती हूँ ये ऑक्सीबिडियम है ना, ये भी फिलोडेंड्रॉन ही है। इसके पत्ते देखिए कितने सुंदर हैं, और इसको भी मनी प्लांट पे चढ़ाना है, इसको पॉट में लगाना है। अभी तो ये पानी में मैंने लगाया था कहीं से लेकर आके, और हैंगिंग बास्केट भी इसकी बहुत अच्छी बन जाती है। नीचे अभी आपको मैंने ये फिलोडेंड्रॉन छोटा वाला दिखाया था जनाडू, और सेम चीज़ मैं आपको बड़ी दिखा रही हूँ, देखिए है ना इसके अच्छे पत्ते। और ये तो भी एक्सीडेंटली ही मिला था मुझे, बैंगलोर में मार्केट में कुछ लेने गए थे हम, तो ये किसी ने उखाड़ के फेंका था सड़क पे, तो वहाँ से उठा के लाए थे। मुझे पता नहीं मैंने अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन क्या करूँ, शायद मैं अपने हाथों के तब्दील के आके मजबूर थी। नेक्स्ट इसमें आता है ये वेरीगेटेड रबर प्लांट, इसमें इसको और भी वेराइटी आती है इसमें जो मैं आपको दिखा रही हूँ। एक और आता है जिसमें वाइट वाला पोर्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसी में ये देखिए ये नई सिंगोनम लेकर आई थी मैं, है ना। तो फ्रेंड्स मैंने आपको अभी बहुत सारे प्लांट्स दिखाए हैं, और अभी भी बहुत सारे मतलब बाकी हैं। प्लांट्स की वेराइटी और इनका लालच अंतहीन है, जो इनको रखे वो भी खुश रहे और बिल्कुल परेशान रहे सारे टाइम कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, फला चीज़ नहीं है, और जो नहीं रखे वो भी परेशान रहे कि मेरे पास जगह नहीं है और मैं रख नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो खैर मुझे ऐसा लगता है कि जो प्लांट लवर्स हैं उनकी इच्छाएं कभी ना ख़त्म ही नहीं होती, ये प्लांट्स नहीं है, वो प्लांट्स नहीं है, इसमें कलर ये नहीं है, उसमें वेराइटी वो नहीं है, बस। तो आई होप मेरा वीडियो से आपको काफ़ी प्लांट्स के नाम और उनकी पहचानने का तरीका पता चल गया होगा, और अगले वीडियो में इसी तरह की नई चीज़ लेकर फिर आती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।